दो पक्षों में बीच मारपीट में बीच बचाव करने गए युवक पर तीन लोगों ने चाकू से जांघ पर वार कर दिया था, जिसके चलते युवक के पैर की मुख्य नस कट गई थी, जिससे अधिक खून बह जाने के चलते युवक की हालत बिगड़ती गई और आखिर में मेडिकल कॉलेज में उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पीली बिल्डिंग सारदा चौक के पास शुक्रवार देर रात हुए इस वारदात की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और लगातार कई स्थानों पर दबिश देते हुए पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। सारदा चौक पीली बिल्डिंग के पास में एक चाकूबाजी की घटना हुई थी। यह दो ग्रुप सिंगराहा ग्रुप और दूसरा चक्रवर्ती ग्रुप के बीच में लड़ाई हुई थी। तो चक्रवर्ती ग्रुप के तीन लोग अब्बू, कल्लू और धनंजय ये सिंगराहा ग्रुप के जो लोगों की जो गली थी वहाँ से निकल रहे थे, नशे में थे और बार बार निकलने के बाद पे कुछ गाली गलौज हुई और ये लोग वहाँ सिंगराहा लोगों पर पत्थरबाजी करने लगे और उसके बाद वहीं एक व्यक्ति जो खड़े थे विश्वकर्मा थे तो गोलू विश्वकर्मा तो गोलू विश्वकर्मा वहीं खड़े थे, कुछ किससे मिलने आए थे तो उन्होंने देखा तो उनके साथ चाकूबाजी हुई और गोलू विश्वकर्मा की बाई जांघ में एक 2x3x4 का एक कट लगा, जिससे वो काफ़ी डीप कट था तो उनकी आर्टरी तक लगा, तो उससे काफ़ी ब्लीडिंग हुई और उनकी मृत्यु हो गई। तत्काल हमारी टीम घटना स्थल पर पहुंची, थाना प्रभारी और हमारे अधिकारी जो हैं अंकित ये तत्काल नीलेश और ये पहुंचे और इन्होंने कार्रवाई की। हमारी जो चीता टीम से हैं विनय, पुरुषोत्तम, माखन, इन सब लोगों ने बिल्कुल तत्काल पहुंच के कल रात में ही दो लोगों को तो अरेस्ट कर लिया था, अब्बू और कल्लू को, और आज धनंजय को भी अरेस्ट किया और बहुत ही अच्छा तत्काल हमारी टीम ने एक्शन लिया। इसके लिए मैं एसपी सर को रिकमेंड करूंगा कि टीम को पुरस्कृत किया जाए।